Good morning, students. Today we are going to read a poem. In your English literature, the poem name is Mice Are Nice, and the poem name is Rose Flying. Okay, the poem name is Mice Are Nice. All of you know about mice. What are the mice? Chuha. ठीक है. Mice क्या होता है? Mice मतलब mouse का plural होता है. जैसे माइस सिंगुलर को बोलते हैं माउस, और जब माउस एक माउस से एक चूहे से ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है माइस. सो यह द पोएम नेम इज माइस आर नाइस. यहाँ पे पोएट कैसे बोलता है कि उसको चूहे अच्छे लगते हैं, चूहे अच्छे होते हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस पोएम, हाउ माइस आर नाइस. आई एम रीडिंग आउट द पोएम. मैं अभी पोएम पढ़ रही हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो. आई थिंक माइस आर रैदर नाइस. देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस आर स्मॉल, दे हैवंट एनी चिंप्स एट ऑल. देयर इयर्स आर पिंक, देयर टीथ आर व्हाइट, दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट. दे निबल थिंग्स, दे शुडन्ट टच, एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, बट आई थिंक माइस आर नाइस. चूहे कितने प्यारे लगते हैं देखने में, छोटे छोटे होते हैं तो ये बच्चों को अच्छे लगते हैं देखने में. मगर चूहा क्या करता है, हर चीज़ को बर्बाद कर देता है. रूम मतलब घर में घुस जाते हैं तो कपड़े काट लेते हैं, जहाँ खाना पड़े हैं उनको खाना खा लेते हैं, या फिर हर चीज़ को इधर उधर कर देते हैं. तो मगर यहाँ पे जो पॉइंट है, उनको उसको माइस अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके लंबी पूंछ होती है, छोटा मुंह होता है, उनके चिंक्स नहीं रहते हैं, ठीक है. और उनकी जो कान होती है पिंक कलर की होती है, उनके दांत व्हाइट कलर की होती है, और रात जब होती है वो घर के अंदर इधर उधर दौड़ते फिरते रहते हैं, और सारे सामान को टुकड़े टुकड़े करके खाते रहते हैं, और इस तरह वो घर पे घुस के यही सब हरकत करते थे, ठीक है. मगर जो दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं माइस या फिर चूहा, घर में घुस गए सब चीज़ बर्बाद कर देते हैं, दूसरों को अच्छे नहीं लगते. मगर बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उनको चूहा पसंद है क्योंकि छोटी रहती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं कुछ बच्चों को. तो इसीलिए यहाँ पे पोएट बोल रही है कि माइस आर नाइस, भले ही वो कुछ भी करे, घर में घुसे, कपड़े काट दे, उतर डाले, सामान खा जाए, जो भी कुछ करे, मगर वो अच्छे लगते हैं उनको, मगर इनको हर कोई पसंद नहीं करता है. अगेन आई एम रीडिंग आउट द पोएम. आई थिंक माइस आर रादर नाइस. मैं सोच रहा हूँ कि माइस नाइस होते हैं, मतलब वो अच्छे होते हैं. देयर टेल्स आर लॉन्ग, उनकी पूंछ लंबी होती है. देयर फेसेस आर स्मॉल, उनका मुंह छोटा होता है. दे हैवंट एनी चिंक्स, जैसे हम लोग का चिंक्स है ना, यहाँ पे चब्बी चिक्स होता है, चिन होता है, तो यहाँ पे हम लोग का चिन है. मगर माउस जो होते हैं, माइस जो होते हैं, उनके चिंक्स नहीं होते हैं. देयर इयर्स आर पिंक, उनके जो कान होते हैं कैसे दिखते हैं, पिंक कलर के दिखते हैं. देयर टीथ आर व्हाइट, उनकी दांत जो होती है बड़ी बड़ी छोटी छोटी होती है, बहुत साफ होती है, कुछ भी वो लोग काट सकते हैं, कुछ भी, वो कपड़े हो या लकड़ी हो या प्लास्टिक हो, कुछ भी हो वो काट देते हैं, और उनकी दांत व्हाइट होती है. द रन अबाउट द हाउस एट नाइट, जब रात होती है वो घर के अंदर दौड़ते फिरते रहते हैं. द निबल थिंग्स, हर चीज को काट देते हैं. द शुडन्ट टच, एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है. बट आई थिंक माइस आर नाइस, ठीक है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, मगर बच्चे उनको पसंद करते हैं. यहाँ पे पोएट को भी माइस पसंद है. तो अब तुम लोग को क्या करना है, मैं तुम लोग को ये भेजूंगी, ये पोएम तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना, और बुक का जो वर्क है, वट एवर वर्क इज गिवन इन द बुक, आई विल कंप्लीट इट एंड सेंड टू यू. यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक ओनली, बट यू हैव टू राइट द होल पोएम इन योर स्कूल कॉपी, इन योर फेयर कॉपी यू हैव टू राइट द पोएम. सो इन बैठ के खुद अपने से धीरे धीरे पोएम की लाइन्स को पढ़ना है. पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हो, इसको एक बार पढ़ लेना, फिर मैं जो वर्क भेजूंगी उसको बाद में करना है, ठीक है. सो गो थ्रू द पोएम एंड हैव अ नाइस डे.